नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आप सोच रहे होंगे आज मैंने ये टोपी क्यों लगाई हुई है। सोचना लाजमी है क्योंकि मैं आज आया हुआ हूँ बिहार से रेस्टोरेंट की किचन में, और आज हम बात करेंगे लिट्टी की। लिट्टी आपने नाम सुना होगा, लिट्टी जो है बिहार का भोजन है और उसके साथ साथ ये ईस्टर्न यूपी में भी बहुत चाव के साथ खाया जाता है। लिट्टी अलग अलग तरीके की बनती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, और लिट्टी को कई बार लोग इस बाटी के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन बाटी जो है वो राजस्थानी खाना है और वो बनाने का तरीका भी अलग है, वो भी आपको हम आने वाले समय में बताएंगे। आज फ़िलहाल बात करेंगे सिर्फ लिट्टी की, और लिट्टी भी कैसे बनती है, क्या क्या सामान डाला जाता है, किस तरह से उसको तैयार किया जाता है, और जब उसको सर्व करते हैं तो किस तरह से उसको सर्व किया जाता है। और ये सब बताने के लिए मेरे साथ हैं बिहार से रेस्टोरेंट जो कि द्वारका के बिहार सदन में है, शेफ़ संतोष और शेफ़ राजू। शेफ़ संतोष, लिट्टी में क्या क्या डलता है, कैसे बनाई जाती है, थोड़ा सा बताएं। सर, ऐसा है कि लिट्टी बनाने की बहुत तरह से अलग अलग तरह से विधि होती है। ये हमारे कल्चर में जहाँ से स्टार्ट हो रखी है, बिहार से स्टार्ट हो रखी है, और मिट्टी से जुड़े हुए हम लोग तो जो शेफ जो हम लोग ये स्टार्ट किए हैं लिट्टी, तो हमारे बिहार सदन में इस चीज़ को लेकर आ रखे हैं। तो बस अब आपके सामने सारे चीज़ सेटअप मैंने तैयार कर रखा है। स्टार्ट हम लोग करेंगे पहले यहाँ से रोस्टिंग से, कोयले से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे की विधि हम आपको बताते हैं। ठीक है शेफ, आइए अब सबसे पहले शेफ़ संतोष और शेफ़ राजू से जानते हैं कि इसमें चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल होती हैं लिट्टी बनाने में। पहले तो लिट्टी बनाने के विधि स्टार्ट है, तो हमारे पास पहले आटा को हम लगाएंगे, भोजपुरी में भी हम बोल सकते हैं और हिंदी में भी। मैं ये कहूँगा आप जब मसाले बताएं तो भोजपुरी में भी बताएं, हाँ। लेकिन उनका हिंदी नाम भी ज़रूर बताएं। जी बस ये जो हम आज विधि बता रहे हैं, ये चार लिट्टी को लेके बना रहे हैं कि अगर आप चार लिट्टी घर में बनाना चाहते हैं उसको लेके, तो शेफ साहब आपसे यही निवेदन है कि चार लिट्टी के लिए कितना आटा और कैसे चाहिए होगा। चार लिट्टी के लिए कम से कम हम 250 ग्राम से 300 ग्राम आटे की गुथाई करेंगे, लगाना स्टार्ट करेंगे। लगाने के बाद उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, हल्का सा अजवाइन डाल दे, नमक डाल दे, घी डालेंगे, और उसी के हिसाब आटे के हिसाब 250 के हिसाब से पानी उसमें डाल के, उसके बाद से हम अपना गूथना स्टार्ट, गूथना मतलब लगाना, जो भोजपुरी में बोला जाता है उसको गूथना, तो उसको सानना स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद एकदम आटा को जो लगाएंगे तो बिल्कुल टाइट आटा लगाएंगे। अब जो है आटा जो है देखा आपने गूथ गया है शेफ साहब, अब आटा तो आपने तैयार कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सत्तू का मिक्सर तैयार करेंगे, तो सत्तू का मिक्सर 250 ग्राम के हिसाब से हमने 100 ग्राम का लिया सत्तू। अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं सत्तू का मिक्सर। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच सत्तू के हिसाब से, फिर इसके बाद आधे चम्मच लहसुन का चप डालूँगा आधे चम्मच, फिर उसके बाद हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद अजवाइन डालेंगे लिटिल बिट, फिर उसके बाद मंगरेला डालूँगे, काली मिर्च डाल रहे हैं बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, काली मिर्च जाएगा है ये स्वाद को बढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद अदरक का चॉप डालेंगे, इसके बाद धनिया चॉप किया हुआ डालूँगा, और लास्ट में नमक स्वाद अनुसार सत्तू के, थोड़ी सी लेमन का जूस भी डाल सकते हैं ताकि उसके अंदर खट्टापन आ जाए और उसका टेस्ट को और आगे बढ़ाए। अब ये सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद उसको खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे, ये ऐसे हो जाना चाहिए ताकि एक दूसरे से कण कण में ये मिल जाए सत्तू का पाउडर, और इसका फ्लेवर जितना इसको रगड़ेंगे खूब अच्छी तरह से हाथों में, दोनों हाथों की हथेलियों पे, उतनी ही बढ़िया इसका टेस्ट इसमें से निकलेगा। इन सब को मिक्स करके उसका सत्तू का मिक्सर तैयार होने के बाद जो आटा हमने गुथाई किया था उसी में उसकी स्टफिंग बना के छोटे 40 से 50 ग्राम का एक साइज का लोइया बना के तैयार करके रख देंगे। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि अब जो है सत्तू का मिक्सर भी तैयार हो गया है, आटा भी गूंथ गया है, अब जानते हैं कि आगे क्या होगा। आगे सिर्फ लिट्टी बना देने से ही नहीं होगा, लिट्टी के साथ उसका जब तक उसके संगी साथी नहीं मिलेगा तब तक लिट्टी का कोई स्वाद नहीं है। उसका संगी साथी क्या है कि बैंगन,
और टमाटर की भरता एक साइड उसकी रोस्टिंग करेंगे, फिर आलू की चोखा अलग से तैयार करेंगे। अच्छा, मतलब बैंगन और टमाटर अलग से और आलू का? आलू का अलग चोखा तैयार करेंगे, आलू चोखा का एक अलग होगा और बैंगन की भरता अलग होगा। इसमें क्या क्या मसाले डलते हैं? इसमें आलू का चोखा करेंगे सिंपल सा है, इसमें सिर्फ प्याज जाएगा चॉप, उसके बाद अदरक थोड़ी सी डालूंगा, फिर हरी मिर्ची डालूंगा, फिर धनिया का पत्ता, उसके बाद हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, फिर लास्ट में थोड़ी सी सरसों का तेल डाल देना ताकि इसकी फ्लेवर को बढ़ा दे चोखे के अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस ये आपका आलू का चोखा तैयार। और जो बैंगन की भरता होगा उसमें आपका अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्च फाइन चॉप रहेगा, उसकी ये बैंगन की भरता होगा, दोनों सेपरेट सेपरेट रहेगा। अच्छा, आइए अब हम बैंगन की भरता तैयार कर रहे हैं। बैंगन ये हमारा रोस्ट हो चुका, अब इसका भरता हम तैयार कर रहे हैं। बैंगन को खूब अच्छी तरह से चेक कर लेंगे उसके अंदर, ताकि कीड़े भी आते हैं, तो बैंगन को खूब अच्छी तरह से चेक करने के बाद ये बैंगन को मैं अपने हाथों से मैश करूँगा। उसके बाद उसमें थोड़े टमाटर डालने के बाद उसके साथ दोनों को मैश करूँगा, खूब अच्छी तरह से इसको मैश कर लूँगा। मैश करने के बाद अब इसमें थोड़ी सी अदरक डालूँगा, थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगा, थोड़ी सी लहसुन डालूँगा, उसके बाद नमक डाल दिया और सरसों तेल, तो इसका फ्लेवर को और आगे बढ़ाता है। और अब इसको सारे चीज़ डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद ये हमारे बैंगन की भरता तैयार। शेफ साहब एक चीज़ बताएं, लहसुन और प्याज आदमी अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकता है या ज़रूरी होता है? वो ऑन गेस्ट ऑन डिमांड होता है, हम लोग दोनों तरफ का ऑप्शन रखते हैं। जैसे कोई बहुत ऐसे हमारे क्लाइंट आते हैं जो नॉन गार्लिक ये गार्लिक पसंद नहीं करते या जिंजर पसंद नहीं करते, तो उनके लिए सेपरेट सेपरेट रखते हैं हम लोग। मतलब ये दोनों तरीके से तैयार हो सकता है, बिना प्याज और लहसुन के भी और प्याज और लहसुन के साथ भी। अच्छा शेफ साहब, इसके साथ कुछ और भी चीज़ होती है तैयार की जाती है? साथ हम लोग भरते के साथ और चोखे के साथ एक चटनी भी देते हैं, और आपका बरेरा की चटनी बोला जाता है, जो देहाती भाषा में बोला जाता है बरेरा स्पेशल, वो सारे जगह आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो किस चीज़ से बनता है? वो लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का है, बरेरा उसको बोला जाता है। वो सारे आप ठेठ आप एकदम देहात एरिया में जाओगे तभी आपको मिलेगा, बट उस चीज़ को हम लोगों ने बिहार सदन में भी स्पेशली उस चटनी को रखे हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा आटा गूंथ गया है, सत्तू तैयार हो गया है मसाले के साथ, चटनी भी तैयार हो गई है। अब आगे जानते हैं कि आगे कहाँ जाना है। शेफ साहब, इसके बाद कहाँ जाएंगे हम? बस इसके बाद हमने प्रोसेस तैयार कर रखे, कोयला जला रखा है, अब इसके बाद से स्टफिंग जो किया हुआ हमारे आटे का जो लोइया है, अब एक एक बाई एक करके हम लोग इस पर रखते चलेंगे। पकाने का प्रोसेस है, 15 से 20 मिनट के प्रोसेस है, वन बाई वन रखे हम पका के फिर आपको दिखाते हैं कैसे पक रहा है। आइए। सो व्यूअर्स, अब जो है लिट्टी पक के तैयार हो गई है, अब जानते हैं शेफ साहब से कि वो आगे क्या करने वाले हैं। अब जब लिट्टी हमारी तैयार हो गई, अब हमारे पास लिट्टी लेंगे, उसको पूरे घी में डिप करेंगे। कहीं कहीं पे क्या है कि बिहार साइड में अपने देहातों में बेसिकली ज़्यादा घी पे नहीं दिया जाता है, सूखा ही लिट्टी खाते हैं। लेकिन हमारे ये ईस्टर्न से जैसे ही हम नॉर्थ इंडिया के साइड आएंगे, दिल्ली की तरफ आते हैं, उधर के लोग ज़्यादा भाग घी में ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा लिट्टी तैयार हो चुकी है, अब ये बिल्कुल टेबल पे जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं लिट्टी तैयार है, और ये पूरी बिहार से बाय द पनाश जो बिहार सदन में रेस्टोरेंट है उसके शेफ्स की टीम है जो मेरे साथ खड़ी है, और इसके बाद हम लिट्टी खाएंगे, और आप भी आनंद लीजिएगा। जहाँ भी हैं देखिए, लिट्टी बनाइए, नहीं बन रही तो यहाँ आके खाइए और उसका आनंद लीजिए। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।